मम्मी हम प्लीज इस पलीमे को कैंसिल नहीं कर सकते, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। देखिए मम्मी, आपको जो चाहिए था ना वो तो आपको मिल गया, इसी वजह से शादी करवा रही थी ना मेरी दूसरी। लेकिन अब मैं उस दूसरे रिश्ते को नहीं निभाना चाहता, मैं नहीं लेके चलना चाहता साथ। हमारे खानदान में आज तक तलाक नहीं हुई, और फिर इसमें आयमा का क्या कसूर है जिस पर तुम तलाक का दाग लगाना चाहते हो? मैं चलता हूँ, जाना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है। हाँ तो जाए, किसने रोका है आपको? इमल बस आज की बात है, फिर मैं बात कर लूंगा मम्मी से, मना लूंगा उन्हें। और आपको लगता है कि मम्मी मान जाएंगी? हाँ ना, उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर छोड़ दो। मैं तो तुम्हें साथ जाने का भी नहीं कह सकता। क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाऊंगी ताकि वहां जाके आपकी और आपकी नई नवेली दुल्हन के मैं नजारे देख सकूं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मतलब तो यही है ना, क्या आप मुझे कहते और मैं चल पड़ती आपके साथ? इमल मैं क्या करूं यार, मम्मी नहीं मान रही। तैयारी तो आपने ऐसे की है जैसे आप दिलो जान से खुश हो जाने के लिए। व्हाट, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, खुद को देख लें आप आईने में। तो क्या करूं, नाइट सूट पहनकर चला जाऊं? इमल प्लीज रो तो नहीं यार, तुम जानती हो तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाड़ में जाए मेरे आंसू, चले जाए आप। काश मैंने आपसे शादी नहीं की होती, मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शरियार भाई, बड़ी बेगम साहब आपको नीचे बुला रही हैं, आप जल्दी से आए। हाँ उनसे बोलो मैं आ रहा हूँ। एमल प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो, प्लीज लुक एट मी। जाए कि मम्मी वेट कर रही होंगी आपका। नहीं, जल्दी वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। जाए प्लीज।